मैं ठीक हूं अब्बू। मैं चौकीदार को देखा। तुम्हारे अब्बू रात भर परेशान रहे, एक लम्हे को सुकून से नहीं सोए। पूरी रात टहलते रहे, बेचैन रहे, कब दिन होगा, कब अपनी बेटी को जाकर देखेंगे। आते हुए सदके का बकरा भी देकर आए। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे अब्बू के प्यार पे तुम्हें यकीन ना हो। हाँ, मुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि अब्बू तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। बेटा बुरी बात, माँ बाप तो अपने सारे बच्चों से प्यार करते हैं और सभी से बराबर का प्यार करते हैं। ये प्यार ज्यादा और कम बीच में कहाँ से आ गया? रुको, मैं पानी ले आती हूँ। मम्मी ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्ची की जान बच गई। शुक्र है अल्लाह का। जान तो बच गई, लेकिन अब शादी की तैयारियों का क्या होगा? वो कैसे होंगी? बेटा क्यों परेशान हो रही हो, सब हो जाएगा। यही सोची थी कि हम शादी की तारीख को आगे कर दें, इसलिए कि आफरीन की ये हालत है और वो हमारे घर की बड़ी बहू है, आपकी बड़ी बेटी है, इसी को सारे काम कर रहे हैं दोनों तरफ के। तो जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर तारीख और दिन मुकर्रर कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका? जैसे आप लोगों की मर्जी, जो आपको मुनासिब लगे कर लें। मेरी वजह से आप सबकी खुशी खराब हो रही है। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी और हमारी खुशियां क्या अलग? देखिए कैसी बातें करती है ये।